नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोल सत्ते बोल। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली की छतरपुर विधानसभा में। छतरपुर के अंदर 1% भी विकास नहीं हुआ है, 1% भी यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। भाई सब यहाँ जो हो रहा है सब गलत है। कुछ मेरे साथ युवा मौजूद है, उनसे जानेंगे कि छतरपुर में क्या कुछ पिछले 5 साल में विकास हुआ है। जो यहाँ से विधायक है आम आदमी पार्टी करतार सिंह तंवर, क्या उन्होंने 5 साल के अंदर छतरपुर क्षेत्र का विकास कराया है और साथ ही साथ दिल्ली में कितना कुछ विकास हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृत सिंह है। अमृत जी, यही छतरपुर में रहते हैं? ये मैं छतरपुर विधानसभा से ही बिलोंग करता हूँ। छतरपुर विधानसभा में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है? मैं यहाँ पिछले 7 सालों से रह रहा हूँ और पिछले 5 सालों में तो मतलब जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। आप खुद ही देख सकते हैं रोडों का क्या हाल है, लेवल कहाँ से कहाँ चले गया। और पानी देखिए, पानी का हाल बिल्कुल भी निकासी नहीं है, कुछ नहीं है पानी का। लोग यहाँ से निकलते हैं, आप देखिए खुद भी आप निकल के आए हैं, आपको भी पता लगा होगा आपके जूतों में कितना कीचड़ लगा है, कितना गारा लगा है, वो आपको सब पता है। 5 साल के अंदर छतरपुर की हालत इतनी बद से बदतर बन गई, इतनी सारी समस्याएं आपने मेरे को बता दी, क्या ऐसे मुख्य कारण? देखो मुख्य कारण तो है, ठीक है, ये तो पूरी दिल्ली के अंदर है कि जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ती है तो सब कुछ होता है, बट उस हिसाब से ये तो सिर्फ वोट बैंक है इनका। छतरपुर के अंदर 1% भी विकास नहीं हुआ, 1% भी। और हमारे विधायक हैं उनको तो हमने देखा ही नहीं है 5 साल के बाद। जब वो आए थे तो हमारे घर घर में आके उन्होंने वोटें मांगी है, हमारे पैर तक छुए, हमारे गलों में हार तक डाले हैं कि आप हमें वोट दीजिएगा, हम आपके लिए ये करेंगे। वो केजरीवाल जी की लहर थी एक उस समय की, तो उस लहर में सब बह चुके थे, इस वजह से उनको वोट दिया कि चलो ठीक है ये कोई नया चेहरा है तो हमें कुछ ना कुछ इनसे फ़ायदा ज़रूर होगा। भाई साहब ये कह रहे हैं कि विधायक जी जब वोट लेने आए थे तो हाथ पैर जोड़े थे, मालाएं डाली थी, क्या सत्य है? हाँ जी बिल्कुल सत्य है। तो जिस टाइम स्टार्टिंग में वोट मांगना है उस टाइम तो सब हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं कि हाँ हमें वोट दो, हम काम करेंगे। हमने भी एक नया चेहरा देखा, हमने सोचा इन्हें वोट देते हैं कुछ विकास होगा, लेकिन आप खुद ही देख रहे हैं 1% भी यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। आप यूथ है, यूथ देश की युवा पीढ़ी है, तो आपने क्या कुछ सोच समझ के करतार सिंह तंवर को छतरपुर से विजय बनाया? यही सोचा था कि एक नया चेहरा है, कुछ विकास होगा हमारी कॉलोनी में, ये पानी का कुछ निकास होगा। यहाँ आप देख रहे हो पैदल भी नहीं चल सकते, गाड़ियाँ भी फंस जाती एकदम से, ऐसे मलबा वलबा डलवा देते सब अपने घर के सामने, और अगर उठवाने की कोशिश करते तो कोई उठवाने भी नहीं देता, क्योंकि उनको ही प्रॉब्लम है, वो भी अपने नहीं चाहते कि उनके घर के सामने पानी भरे। पानी के अलावा और कुछ काम हो जो उन्होंने ना कराया या फिर ऐसा कोई काम या उन्होंने करवाया भी हो? साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं करवाया। सीवर यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, सीवर, क्योंकि यहाँ पानी का निकास नहीं होता, यहाँ कीचड़ इतना है कि आदमी का चलना दुर्भर है। बस अब आम आदमी पार्टी कहती है बस सेवा फ्री, सारी सेवा फ्री, बिजली पानी फ्री, अब यहाँ तो मुझे पानी की समस्या ही दिख रही है, क्या वाकई पानी भी फ्री है या कि कोई बस सब यहाँ जो हो रहा है सब गलत हो रहा है। जो ब्रह्म सिंह जी ने किया वो किसी ने यहाँ विकास नहीं किया, इतना बुरा है कि हम पैदल नहीं चल सकते, घर से बच्चे को बाहर छोड़ते हैं, उसको छोड़ना भी हमें मुश्किल है। आप वोट के टाइम पे आते हैं कि हम ये काम करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। जो ब्रह्म सिंह जी ने कर दिया वो किसी ने विकास नहीं किया। आप कहते हैं ब्रह्म सिंह ने जो विकास किया वो कर दिया, तो आपने फिर ब्रह्म सिंह जी को ही क्यों नहीं चुना दोबारा? ऐसा ये सोचा था कि आने वाले टाइम में ये कोई विकास करेंगे, लेकिन सब बेकार की बात है, कह देते होता कुछ नहीं है। तो क्या लगता है किसको चुनेंगे आप अपनी छतरपुर विधानसभा से, किसको? बीजेपी को ही चुनेंगे, बीजेपी को ही वोट देते हैं, बीजेपी को ही देंगे। अच्छा दिल्ली में क्या चाहते हैं कि ब्रह्म सिंह जी दोबारा फिर आए। अच्छा तो दिल्ली में किसकी सरकार लगता है? बीजेपी की आएगी, बीजेपी आएगी। हम तो मोदी जी को देते हैं वोट। मोदी जी यहाँ से तो मोदी जी खड़े होंगे, मोदी जी जिसको यहाँ से खड़े करेंगे उसको देंगे वोट। आप करतार सिंह के काम को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 0% देना चाहेंगे। 0%? और आप? 0 से भी माइनस मान लो सर। आप भी? बिल्कुल सर, 0%। यहाँ की सभी जनता जो है, छतरपुर की जनता जो है, अपने विधायक को 0 नंबर दे रही है, क्या कुछ कारण है आपने सुनी लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार आती है और किसकी नहीं। कैमरामैन मुकुल के साथ गौतम अशेष, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।